जो हमारे छठे सरकार हैं हज़रत अली के जो छठी पीढ़ी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि घोड़े का रिस्क परवरदिगार आपको इस तरीके से देता है जैसे आपकी औलाद का रिस्क देता है, जैसे आपकी जो औलाद का रिस्क अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है, क्यों, क्योंकि आपके घर में वो पैदा हुई। इसी तरीके से जैसे एक बच्चे का रिस्क मिल रहा है ऐसे ही घोड़े का रिस्क भी परवरदिगार आपको देता है। ये किस दुनिया जो जमीन आसमान चांद सितारे पहाड़ हैं ये सब अल्लाह ने अपनी रहम करम से बनाए, तो ये कुन फयकुन, परवरदिगार ने कुरान में फरमाया कुन हो जा, फयकुन हो गया। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को खल्क ऐसे नहीं किया कि उसने ऐसा बनाया हो जैसे कि इंसान किसी चीज़ को बनाता है। उनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था खिंग, एक होता है किंग KING किंग, ये खिंग, खिंग फारसी जबान में तेज दौड़ने वाले घोड़ों को कहा जाता है। आई वेलकम बैक टू एफ एस ए एंटरटेनमेंट, मैं हूँ पुष्कर मेले में और आई डोंट थिंक मेरे से ज़्यादा कोई खुशनसीब होगा जो इस जेंटलमैन के दर्शन मिल गए हमें। इनका नाम है हैदर भाई जी, सैयद हैदर अली, सैयद हैदर अली किंग स्टड फार्म जी। आपका एक वाहिद एक वीडियो था जो लोगों ने कहा भाई हमने बिना स्किप करे देखा था, शुक्रिया उन सब लोगों के लिए। बहुत बहुत बनाया था तारागढ़ फोर्ट पे जी 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 जी। हैदर भाई यहाँ क्या कर रहे हो पुष्कर में? सरकार वैसे तो यहाँ हर साल ही हम लोग आते हैं और यहीं से हम लोग स्टार्ट हुए थे, यहीं से हम लोग स्टार्ट हुए थे और जो हमारा जो घोड़ों की जो ख्वाहिश थी हमें पालने के लिए, और 5-6 साल तो हम लोग खाली ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारी हमने, क्या भाई हम लोग आते थे देखते थे कि हाँ भाई खरीदेंगे। एक पहले भी एक वीडियो डल चुकी थी हमारी, उसके अंदर मैंने सब बता दिया था यहाँ के बारे में कि किस तरीके से हमारी जो लाइफ शुरू हुई घोड़ों वाली कैसे शुरू हुई। तो हर साल का फिर हमने ये बना लिया, 4-5 साल तो हम लोग खाली आकर देख के जाते थे घोड़ों को, और फिर एक बार हमारी खुशकिस्मती हुई और हमारे दिन उरूज पे आया कि हमें सुल्तान मिला। एक मेरे पास एक घोड़ा था सुल्तान नाम से, वो मिला, फिर तब से हम लोगों को इसका शौक लग गया, फिर हर साल हम लोग यहाँ पर कैंप लगाने लग गए। तो अभी भी बस कैंप लगा हुआ है यहाँ पर ही। मेरा घोड़े हैं हमारे अभी मेरे पास हैं 3-4 हैं, और एक ही लेके तीन मेरे घर के ऊपर हैं, एक ये है कोहिनूर और एक कल इंशाल्लाह कल मेरे पास हैदराबाद से आ जाएगा। हम ये बता दें कि सैयद हैदर अली साहब का जो फार्म है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फार्म है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे दरगाह के सामने जी जी, जी तारागढ़ फोर्ट पे, हाँ तारागढ़, और वो फार्म का नाम है किंग स्टड फार्म विद एन एच, किंग किंग KING किंग, क्या मतलब होता जिनका है? जो दरबार है तारागढ़ के ऊपर, जिनके हम गुलाम हैं, जिनके हम खादिम हैं, उनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था खिंग, एक होता है किंग KING किंग, ये खिंग, खिंग फारसी जबान में तेज दौड़ने वाले घोड़ों को कहा जाता है। तो सरकार का जो घोड़ा था, सरकार हजरत मीरा सैयद हुसैन का, उनका जो घोड़ा था उस घोड़े के नाम पे और हम उनके गुलाम हैं, तो उनके नाम के ऊपर ही हमने हमारा स्टड फार्म का नाम रखा। के बारे में एक जानकारी भी दी थी कि कहां से कहां तक के लेके आए थे, वो शेयर करोगे आप? सॉरी किस सरकार के घोड़े के बारे में आपने कुछ? जो तारागढ़ पे जिनका दरबार है वो सरकार उसी घोड़े के ऊपर लेके आए थे, और उस घोड़े का एक मौजजा और एक करिश्मा इस पुष्कर के अंदर भी, एक यहीं से थोड़ी दूरी पे एक बूढ़ा पुष्कर के नाम से है, तो सरकार तब वहाँ से आए थे ईरान से तो हाँ इधर से ही तब वो निकले, तो यहाँ पर भी एक उसका करिश्मा है जो कभी इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और वहाँ पर आज भी गुलाब की खेती वगैरह होती है, वहाँ पर उसने टाप मारी थी तो वहाँ से चश्मा निकला था, चश्मा मतलब पानी, पानी वजू के लिए सरकार को नीड थी पानी की, तो उस घोड़े ने वहाँ पर एक टाप मारी तो वहाँ से वो पानी का चश्मा निकला, चश्मा मतलब फुंवारा पानी का, तो वहाँ से हाँ अभी वहाँ पर गुलाब की खेती वगैरह होती है और माशाल्लाह लोग इस चीज को जानते हैं अच्छे से। ठीक है, अभी जो घोड़ा लेके आए हो अभी ये हमारा कोहिनूर नाम है, हमने इसको जी 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 वो उस टाइम काफी छोटा था, अब माशाल्लाह थोड़ा सा चंचल भी हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, और ये स्पॉटलेस है ना? ना बिल्कुल, एक हाँ स्पॉटलेस ही कहा जाएगा इसे, हाँ हाँ है ना, स्पॉटलेस है, नाम है कोहिनूर, कोहिनूर, और ये कोहिनूर ही है। क्या उम्र का है ये? इसकी उम्र आई थिंक 2 साल है अभी, ये पुष्कर से ही खरीदा था, ये बहुत ज्यादा बीमार था जिससे हम लिया था, वो एक ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे बैठे ना यूपी वाले अक्सर देखा होगा। आपको सोरठ में मिला है? हाँ बस ये ये सोरठ के दाम में मिला है, लेकिन अभी अमूल्य हो क्या अभी, हाँ हाँ अभी, हाँ अभी ऐसा ही है कि ये कोहिनूर है ना भाई, कोहिनूर की तो कोई कीमत है नहीं, कोई कीमत ठीक है ना, अब कोहिनूर की तो कोई जो उसको पहचानने वाला है वही, ये हाइट तो खैर आप देख ही ना इसकी, मगर जो उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, इसके कान आप देखें, इसके कान, इसकी आईज आप मतलब
दोनों है। अच्छा, हमें तो वो नहीं मानते भवरियों का, तो हमें हमारी रिलीजन घोड़ों को पालना तो खैर अच्छा ही कहा जाएगा। हाँ हाँ, सुन्नत है, रसूल है भाई, तो वो सब नहीं देखते हम, राइट? भवरी वगैरह नहीं, एक्चुअली हम क्या देखते हैं घोड़ों में? हम पहले तो नहीं ये सब चीज़ें देखते थे क्या भाई, इसके अंदर भवरी वगैरह जो जो भी इसकी होती है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इसके अंदर ऐब हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम खुद एक ऐब वाले हैं, हम किसी में कैसे ऐब निकाल सकते हैं कि इसमें ये ऐब है। मगर क्या है कि तब हम बिजनेस करने बैठे हुए हैं इस चीज़ का, तो हम नहीं मानना है, मगर जो यहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि भाई इसके फेर वेर ये सब चीज़ें, ये सब बनाई हुई तो एक इंसान की है ना, ये क्या भाई इसकी ये फेर सही है या ये फेर गलत है। फिर भी अब हम जब हमने सुल्तान को लिया फर्स्ट टाइम में, घोड़ा था उसको हमने इतना नहीं देखा, हमें तो वो दिख गया, और उसके जो मालिक थे राजपूत थे, और हम उनको बहुत रिस्पेक्ट से याद करते हैं और बहुत हम इज्जत देते हैं। हम तब पुष्कर मेले आते हैं तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो उनको ढूंढना होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनका कोई कैंप नहीं लगता है, वो सिर्फ ऐसे ही घोड़ों के हिसाब से आते हैं जैसे देखने के लिए। अभी तक हमारी बदनसीबी कि हमारी उनसे मुलाकात हुई नहीं, और शायद आपकी वीडियो के जरिए शायद मुलाकात हो जाए उनसे। तो हम लोग क्या है कि ज़्यादा इस चीज़ को देखते नहीं हैं। हाँ। जैसे हमने सुल्तान ख़रीदा तो हमें खूबसूरत लग गया था, वो खूबसूरत लगा तो हमने उसको ख़रीद लिया। इत्तेफाक से तब हमने उसके फेर वगैरह तब बाद में लोगों ने देखा, तो वो फेर वगैरह उसके बिल्कुल कंप्लीट फेर जैसे जो होना चाहिए वो सब उसमें थे। मगर हम लोग अब जब ले रहे हैं घोड़े वगैरह तो हम भी फेर वगैरह देख के लेते हैं, क्योंकि हमें सेल करना होता है। अब सेल करना होता तो अब वो एक फेर की वजह से उसकी वैल्यू खत्म कर देता आदमी। हमारी जो ऑडियंस है जरूरी नहीं कि मुसलमान ही खरीदे। नहीं नहीं, ये तो सब कोई भी आएगा तो आपको जाहिर सी बात है ख्याल रखना। नहीं, नॉन मुस्लिम का क्लियर है। हाँ हाँ, ये सब कम्प्लीट है, देवमन वगैरह है इसके, और बाल भवरी माशाल्लाह सब क्लियर है। तब हमने इसको खरीदा था तो हमने ये देख के नहीं लिया था इसको कि इसकी, हाँ ये एकदम बीमार सा था, बारिश हो रही थी तो हमें लगा कि यार ऐसे मर जाएगा ये बारिश में भीग कर। तो जो हमारे बड़े भाई हैं सैयद वकील हुसैन, उन्होंने इसको बस ऐसे ले लिया क्या भाई दे दे यार मुझे, तो उसको हमने खिदमत के हिसाब से कि यार ये चलो मोहब्बत है हम लोगों को इससे, हम लोग इससे, और सुन्नत रसूल है इसको पालना, और ये इसके खदमों में अल्लाह ने बरकत रखी है, इसके चेहरे पर बरकत रखी है। और जो हमारे छठे सरकार हैं हज़रत अली के, जो छठी पीढ़ी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि घोड़े का रिस्क परवरदिगार आपको इस तरीके से देता है जैसे आपकी औलाद का रिस्क देता है, जैसे आपकी जो औलाद का रिस्क अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आपके घर में वो पैदा हुई। इसी तरीके से जैसे एक बच्चे का रिस्क मिल रहा है ऐसे ही घोड़े का रिस्क भी परवरदिगार आपको देता है। ये किसी भी बोझ नहीं है। कुछ उर्दू अल्फाज के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जी ऑडियंस है जो शायद नहीं जानती है, इसका मतलब क्या है समझा दीजिए हमारी ऑडियंस। रिस्क मतलब जैसे हमारे घर में जो बच्चे हैं, मैं एक बाप हूँ, मेरी बेटी है, अल्लाह उस बेटी के नसीब का जो रिस्क है खाना है वो मुझे देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो एक घोड़ा मेरे घर में पला हुआ है उसका भी नसीब का परवरदिगार मुझे देगा। ये मेरे पे बोझ नहीं, जैसे कि कुछ जानवर बोझ होते हैं इंसान पे, क्या भाई उसे खिलाना है, मजदूरी करके लाना है। एक घोड़ा ऐसा है कि ये आप पे बोझ नहीं है, ये इसके नसीब का अल्लाह इसके उसके मालिक को दे देता है, समझ। ये सही रहते भाई, मैं तो हमेशा अमीर हो जाता हूँ जब आप बात करना शुरू करते हैं। मैं आई ऑलवेज वंडर ये बंदा ऐसे अल्फाज लाता कहाँ से है, क्योंकि कोई एक टॉपिक आप पे, आप सच्ची बोल रहे हैं। चलिए शुक्रिया, जरा नवाजिश आपकी कि आपने इतनी इज्जत दी। लेता हूँ जी जी, आई थिंक आपसे बेटर इंटरव्यू कोई नहीं देता। शुक्रिया सर, इंडस्ट्री में उर्दू में, हाँ मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, जिस तरह से आप, मुझे याद है मैं तो वो सुनता था, वो जो था कुन फाया कुन, उसका भी आपने बहुत ही अच्छा समझाया था, वो शायद नहीं था, वो दोबारा बता दीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, और हमारी ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट की थी। मुझे प्राइवेट मैसेज आते थे, भाई हम तो सुनते थे ये यार रहमान की कंपोजिशन, माशाल्लाह आपकी वीडियो से मुझे कॉल भी बहुत आए, और लोगों ने ये कहा कि भाई माशाल्लाह, तो मैंने कहा भाई इज्जत देने वाला परवरदिगार है, ठीक है, तो जरिया है। हाँ बस यही कि कुन फयकुन परवरदिगार ने कुरान में फरमाया, जो एक कायनात परवरदिगार ने बनाई है कुन फयकुन से बनाई है, जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये जो दुनिया बनाई है मैंने 7 दिन के अंदर इस दुनिया को खल्क किया है, ये दुनिया जो ज़मीन आसमान चांद सितारे पहाड़ हैं ये सब अल्लाह ने अपनी रहम करम से बनाए, तो ये कुन फयकुन परवरदिगार ने कुरान में फरमाया कुन हो जा, फयकुन हो गया। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को खल्क ऐसे नहीं किया कि उसने ऐसे बनाया हो जैसे कि इंसान किसी चीज़ को बनाता है, परवरदिगार तो सोचता है हो जा और हो जा।
घोड़े के लिए कहा गया है और हदीसों में है कि सबसे पहला कि जो घोड़े की सवारी की जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, पहले जो घोड़े रहा करते थे वो पहाड़ियों पर रहा करते थे और इनके पर हुआ करते थे। ये इस्लामिक हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर रिलीजन वाला इसको फॉलो नहीं करेगा, हर इंसान का एक अलग अलग है। मैं अपने मेरे को जितनी नॉलेज इसकी, ये जो बुराक बुराक पर थे उसके पर थे जो जिस पर रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, और आज भी जो घोड़े रखने वाले हैं वो जानते हैं कि इसके परों के निशान आज भी इसके पैरों पर होते हैं। देखेंगे ना आप, ये जब पैदा होगा तो पैदा होने से होते ही इनके ये निशान होते हैं, चारों पैरों में इनके हैं, तो ये उसके परों के निशान हुआ करते हैं। पहले पहाड़ियों पे रहा करते थे, फिर सबसे पहले इसकी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवारी की, इसको जो अल्लाह ने बनाया समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं उससे परवरदिगार ने इसको खल किया है, कुन फयाकुन, हो जा और हो गया। एक अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि इफ यू वर रनिंग फॉर ऑफिस आई वुड वोट फॉर यू, हिंदी में उसका तर्जुमा करूं, हाँ। अगर आप इलेक्शन में खड़े होते मेरा वोट आप ही को जाता, ठीक है। नहीं, अभी भी अगर आपने, हम इलेक्शन में खड़े नहीं और आपका वोट अगर हमारे लिए है तो जर्रा नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। कल इंशाल्लाह दोबारा कोई नए घोड़े आ रहे हैं? हाँ, कल आ रहा है इंशाल्लाह। कोई एक ऐसा टॉपिक ढूंढे जिसपे हम बनाए वीडियो, सरकार हम लोग ढूंढते कुछ भी नहीं है, हमें बस कुन फया कुन, सोचा और सोच गया वाला सीन है। चलिए हैदर भाई, नंबर दीजिए हमारी ऑडियंस। मेरा नंबर है 9261239417 9261239417। मेरा नाम सैयद हैदर अली जाफरी, हम जाफरी सादात हैं, खादिम हुआ जी, हम खादिम दरगाह हजरत मीरा सैयद हुसैन, उन्हीं की चौखट के गुलाम है और उन्हीं की चौखट से इज्जतें मिली हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत।